सैयद जाफर हुसैन। मैं 11th जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम इंटर सेकेंड ईयर का आधुनिक काव्य में से छठवां लेसन, छठवां कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसके बारे में देखेंगे। इसके कवि है राजेश जोशी। इनका परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिम्हा जिले में सन 1946 में हुआ। इन्हें क्या 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंह डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। राजेश जोशी ने एमएससी और एमए की डिग्रियां हासिल की। इन्हें क्या है एमएससी और एमए के पढ़ाई कंप्लीट करें। राजेश जोशी ने कविताएं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। राजेश जोशी कविता के साथ यानी पोएम्स के साथ साथ इसके अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां ये चीज़ हमें लिखे गए। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ विदेशी भाषाओं में भी इनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। कई इंडियन लैंग्वेजेस में भारतीय भाषाओं में से इसके साथ साथ विदेशी लैंग्वेज में भी इनके कविता इनके जो कविताएं हैं ये ट्रांसलेट किया गया। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। इनके जो कविताएं हैं जिंदगी के परेशानियों के वक्त भी एक आस्था में उभार लाती है। इनका साहित्य योगदान क्या है? इनके साहित्य योगदान में प्रमुख रचनाएं हैं समर गाथा, ये तो बहुत लंबी कविता है, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच आदि, ये इनके कहानियां हैं। इनकी काव्य रचनाओं में आत्मीयता, लयात्मकता के साथ ही साथ मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी विद्यमान है। इनके क्या है आत्मीयता के साथ साथ मनुष्यता, इनकी इंसानियत भी बचा कर रखने की एक हमेशा कोशिश इनकी जारी है। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार के शिखर सम्मान के साथ केंद्र साहित्य अकादमी का प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। इनको क्या है मध्य प्रदेश के सरकार के शिखर सम्मान के साथ केंद्र साहित्य अकादमी का भी खिताब मिला हुआ है। अब ये कविता के बारे में देखेंगे। पहले कविता का परिचय देखिए। इस कविता में राजेश जोशी काम पर जाने वाले बच्चों की स्थिति को देखकर विचलित हो जाते हैं। ये कविता में बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में राजेश जोशी बच्चे काम पे जा रहे हैं उन लोगों को देख के विचलित परेशान हो जाते हैं। कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर लग जाना पड़ता है। ये जो कवि हैं इस बात पे उन्हें दुख होकर रहते हैं कि बच्चे थोड़े अपने पेट भरने के लिए अपने मजबूरी के लिए काम पे जाना पड़ता है, ना तो उन्हें पढ़ने का मौका मिलता है और ना खेलने का। जो बच्चे काम पे जा रहे हैं वो बच्चों के लिए पढ़ने को भी टाइम नहीं और खेलने के भी टाइम नहीं, इस तरह से उनका बचपन छीन लिया जाता है। इस तरीके से इनका जो बचपन है खींच लिया जाता। इसलिए कविता में कवि ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इस पोयम में इस कविता में कवि सबसे पूछ रहे हैं कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने की बजाय काम पर जा रहे हैं। ये ऐसी भयानक स्थिति है कि दुनिया में छोटे बच्चे सुबह सुबह उठ के स्कूल को जाने की जगह काम के लिए चले जा रहे हैं। अपनी इस कविता में कवि बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। ये जो पोयम में कवि जो बच्चे काम पे जा रहे हैं जो बाल मजदूरी है उसके पर गुस्से में आ रहे हैं। अब कविता
देखेंगे। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। इसका अर्थ ये राजेश जोशी इस कविता में, बहुत सी ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, बहुत सुबह का टाइम है, ठंडा मौसम है चारों तरफ और सड़कों के कोहरे से ढकी हुई है, यानी बर्फ से चारों ओर सड़क ढकी हुई है। परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ऐसी बर्फ़ पड़ती हुई जगह पे भी, बर्फ़ में भी, इतनी ठंड में भी बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि पढ़ने और खेलने की उम्र वाले बच्चों को अपने पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। ये ऐसी भयानक यहाँ पे ये बात है कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चे अपना पेट पालने के लिए क्यों काम पे जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए। ये जो चीज़ है, बच्चों को काम पे जाने की चीज़ है, ये अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में एक सवाल पूछना चाहिए कि बच्चों को काम पे क्यों भेजा जा रहा है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दिमाग ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में तह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं क्या एकाएक? तो फिर क्या है, क्या है इस दुनिया में, फिर क्या बचा है, क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि सारी चीज़ें हज़्माबुल पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुज़रते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी सोचता है कि क्या खेलने के लिए गेंद आकाश में चली गई है क्या? क्या सारी किताबें दिमाग ने खा लिया है क्या? क्या सारी खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे छिप गए हैं क्या? इन बच्चों को पढ़ने वाले मदरसे, पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय यानी स्कूल टूट चुके हैं क्या? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, बगीचे एवं घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं क्या? कवि कह रहे हैं, कवि ये बात बोल रहे हैं कि अगर सच में ऐसा है तो इस दुनिया में बचा ही क्या? अगर से सचमुच ये आंगन चले गया, मैदान चले गया, बगीचे चले गए, खेलने के मैदान चले गए और बच्चों के गेंदे चले गए, मदरसे कुछ नहीं है, तो आखिर दुनिया में बचा क्या? इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। ऐसे टाइम पे उनके ऊपर, वो छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए। कवि को समझ में नहीं आता है कि इन सारी चीज़ें हमेशा की तरह मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हज़ारों सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि को ये समझ में नहीं आ रहा कि इस सारी चीज़ें हमेशा की तरह रहने के बाद भी, मौजूद रहने के बाद भी ये छोटे छोटे बच्चे दुनिया के हज़ारों सड़कों पर चलकर अपने अपने कामों के लिए जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए कवि ने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इसलिए जो राजेश जोशी हमारे लिए एक सवाल उठाए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, अब इसकी विशेषता क्या है। ये कविता में कवि राजेश जोशी काम पर जाने वाले बच्चों पर या बाल मजदूरी की ओर
ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए। जो काम पर जाने वाले बच्चों के लिए या बाल मजदूरी के लिए, उनके पर ध्यान यानी उनके पर खींचने के लिए, उनके पर नज़र रखने के लिए पूरे सफल हो चुके हैं। इसके थोड़े अर्थ भी देखिए, कोहरे, ओस, विवरण, व्याख्या, सवाल, प्रश्न, अंतरिक्ष, आकाश, दीमक, सफ़ेद चिमटी, भूकंप, भूचाल, हसमाबुल, हमेशा की तरह, ये थे इसके अर्थ। आज के लिए ये कविता यहाँ पर समाप्त।